दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, स्कोडा की रैपिड है, 2015 का मॉडल है, डीजल कार है, गाड़ी चालू है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी चालू है और आउटसाइड टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आपको दिख रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं इसका एसी चालू रखा हूं, जैसा कि देख पा रहे हैं। और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, 17.5 से नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा है। गैस भी सब बराबर है, पर इसमें का कूलिंग नीचे ड्रॉप हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका कंप्रेसर जो है ना वीक हो चुका है, यानी कंप्रेसर वीक नहीं हुआ है, कंप्रेसर की वाल जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इस वजह से के कंप्रेसर के अंदर एक वाल दिया हुआ रहता है, कंट्रोल वाल, जो कि मैं कंप्रेसर खोलने जा रहा हूं, आपको दिखा दूंगा और रिप्लेस भी करूंगा इसका वाल। तो चलो मैं सबसे पहले आपको लाइव दिखा देता हूं कि कंप्रेसर काम कैसे नहीं कर रहा है, पंपिंग का कितना बना रहा है जो कूलिंग नहीं हो रही है। चलो फिर मैं बाहर आपको लेके जाता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं, गाड़ी अभी चालू है अपना, बाहर आपको ले आके लेके दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी अपना चालू है और मैंने लो और हाई दोनों लगा के रखा है और कंप्रेसर अपना ऑन है अभी। जैसा कि देख पा रहे हैं, कंप्रेसर ऑन है और इसका पंपिंग देख लीजिए आप, गैस बराबर है। सक्शन प्रेशर देखिए, जो कि 20-25 पे रहना चाहिए था, डायरेक्ट 40-50 पे है, लगभग 50 के ऊपर प्रेशर बता रहा है सक्शन प्रेशर। और डिस्चार्ज प्रेशर आप देख पा रहे हैं, 250 के बीच में रहना चाहिए, जो 200 के नीचे है। तो इस वजह से इसका कंप्रेसर के अंदर जो वाल रहती है, वो वाल हम चेंज करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये रही कंप्रेसर है, तो इसका कंप्रेसर हम खोलेंगे, खोल के मैं बाहर लेके फिर आपको दिखाता हूँ। चलो फिर बाहर लेके इसका कंप्रेसर का वाल रिप्लेस करके मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। चलो फिर खोलने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्रेसर खोलने के लिए ये दोनों पाइप खोलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हाई वाला और लो वाला दोनों खोलने के बाद मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ क्या क्या खोलना पड़ेगा। ये वाली टर्बो की लाइन खोलना पड़ेगा, खोल के पीछे लेना पड़ेगा आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं नीचे पीछे ले लिया हूँ। उसके बाद ये दोनों तो निकाल दिया हूँ, दो बोल्ट दिया हुआ रहता है, एक ये और एक ये दो, और ऊपर से दिया रहेगा एक, तीन ही बोल्ट रहता है। तो ये सब बोल्ट और बेल्ट भी निकाल दिया हूँ मैं। 17 नंबर का लगता है पाना, जो कि आप देख पा रहे हैं, निकाल दिया हूँ 17 नंबर का निकाल के फिर मैं कंप्रेसर नीचे लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्रेसर पूरी खुल चुकी है अपनी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस मैं इसको नीचे लेने का है। ये इजीली नीचे आ चुका अपना कंप्रेसर, जैसा कि देख पा रहे हैं। चलो मैं फिर बाहर लेता हूं इसको, फिर आपको आगे दिखाता हूं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं कंप्रेसर खोल के बाहर ले चुका हूं। जैसा कि देख रहे हैं, 2015 का मॉडल डीजल कार का कंप्रेसर है, रैपिड का, स्कोडा रैपिड की कंप्रेसर है। देख लीजिए अंदर भी, देख पा रहे हैं, ये रही सॉकेट इसका। चलो अब हम ये पांचों बोल्ट खोलते हैं, दो चार ये 6 बोल्ट है, ये खोल के फिर मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं पांचों बोल्ट खोल दिया हूँ, लूज कर दिया हूँ। अब मेरे को इसको बाहर निकालता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये रही वाल प्लेट, इसको खींच के इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ये देख पा रहे हैं, यही वाल है जो कि काम बराबर नहीं कर रहा था, इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही थी, पंपिंग नहीं हो रहा था। और ये सब रही पिस्टन, जैसा कि देख पा रहे हैं, कंप्रेसर की पोजीशन बिल्कुल फ्रेश है, एकदम सही पोजीशन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सी वाली वाल में प्रॉब्लम है, मैं इसको खोलता हूँ, इसके अंदर का मटेरियल आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे फिट रहता है। चलो फिर हम खोलते हैं इसको। अब ये कंप्रेसर फुल कंडीशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्रेसर में। चलो फिर हम ये वाल प्लेट को खोलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं, मैं इसको सब छुट्टा कर दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये रही मेन प्लेट, ये सक्शन वाली प्लेट है और ये डिस्चार्ज वाली प्लेट है, और ये गैस किट है दोनों, और
ये रही जो डिस्चार्ज वाली पोर्ट को रोक के रखता है, ज्यादा बाहर आने नहीं देता है, लेबल में आने देता है। और ये रही वाल, यही वाल अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। तो इसको फिटिंग करने में बहुत जन उल्टा सीधा कर देता है। तो जैसा आप खोलते हैं, खोलने टाइम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसमें दूसरे कंप्रेसर का वाल डालने जा रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली फ्रेश वाल है, देख पा रहे हैं ये वाली हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये वाली फ्रेश है अपना। तो इसकी वजह से मैं सिर्फ इस जैसा खोला हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और ये मैं फिटिंग कर देता हूँ। तो चलो फिर मैं फिटिंग करता हूँ, और फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। फिटिंग करने टाइम सबसे पहले ये वाली गैसकेट लगाना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद ये वाली वाल प्लेट आपको लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर एक ओरिंग रहती है, ये वाली ओरिंग ध्यान से लगाने का रहता है। तो ये ओरिंग अगर नहीं लगाएंगे तो कंप्रेसर चलेगा ही नहीं, पंपिंग देगा ही नहीं, या फिर लीक हो गया था तो ये ओरिंग भी तो पंपिंग नहीं होगा। ये ओरिंग प्रॉपर लगा देने का, फिर उसके बाद इसको ऐसे पोजीशन लगा करके, ये वाली जो देख रहे हैं ये वाली लॉक पोजीशन बराबर बैठना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली सबका लेवल आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आ गया, देख पा रहे हैं ऊपर की गैसकेट भी मैंने लगा दिया हूँ। और ये वाली जो लॉक है, ये वाली पोर्शन आप देख करके इसमें बैठाएंगे तो इजीली बैठ जाएगा, आपको ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली यहाँ ऐसे करके लगा के, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं फाइनली इसको फिट कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आप ही कर सकते हैं, इंटरेस्ट अगर लेंगे तो कोशिश करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। एक दो बार थोड़ा सा वीडियो को आप ऊपर नीचे करके, मतलब आगे पीछे करके देखेंगे, और ये वाल प्लेट जो है ये वाल प्लेट में फिटिंग करने ही में थोड़ा लोचा होता है, एक दो बार आप फिटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर हम कंप्रेसर अंदर फिटिंग करते हैं, गाड़ी के अंदर फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं कंप्रेसर फिट कर चुका हूँ, सीट बेल्ट लगाना बाकी है और ऊपर की पाइप लगाना बाकी है, वो सब लगा के फिर मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर फिट हो चुकी है अपनी, बेल्ट लगाना बाकी है, मैं सब लगा के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने फाइनली सब फिट कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब किट बिकिट पाइप वगैरह सब लगा दिया हूँ, सक्शन हाई लो दोनों लगा दिया हूँ। और हमने इसमें नाइट्रोजन प्रेशर मारा है, जैसा कि देख पा रहे हैं 200 का प्रेशर मारा हूँ, क्योंकि सेफ्टी के लिए चेक करना पड़ता है, क्योंकि आप कितना भी कॉन्फिडेंट के साथ अगर कंप्रेसर का काम करते हो फिर भी लीक होने का चांस रहता है। इसकी वजह से सेफ्टी के लिए हमने इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर मार के रखा था, और प्रेशर भी होल्ड है। अब हम इसका नाइट्रोजन प्रेशर छोड़ देते हैं, फिर वैक्यूम में लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेशर छोड़ के हमने वैक्यूम लगा दिया है, 10 मिनट के लिए लगाया, 7 मिनट होल्डिंग टाइम है, पंप ऑन रहेगा, उसके बाद फिर हम गैस चार्जिंग करेंगे इसमें। तो चलो फिर आगे देखते हैं। देख पा रहे वैक्यूम अपना कंप्लीट हो चुका, और हम थोड़ा मैं इसमें थोड़ा ऑयल मार देता हूँ, ऑयल पहले ऑलरेडी मारा है फिर भी थोड़ा और मार देता हूँ, क्योंकि कंप्रेसर खोला गया था तो ऑयल बहुत नीचे गिर गया था। तो अब इसमें गैस मार देता हूँ, 400 ग्राम गैस मार देता हूँ। चलो फिर अंदर हम गाड़ी चालू करते हैं, फिर एसी चालू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और गाड़ी चालू हो गई अपनी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसी वगैरह सब चालू रखा हूँ, तो बाहर चलते हैं हम इसका पंपिंग देखने के लिए कि पंपिंग कितना हो रहा है। चलो फिर बाहर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है और पंपिंग आप देख लीजिए, गैस चार्जिंग हो गया। जैसा कि देख पा रहे कितना पे आ गया अभी पंपिंग, 25-27 पे आ गया, यानी पंपिंग बराबर हो रहा है अभी, और कूलिंग भी बराबर होगा। चलो फिर अंदर हम देखते हैं कितना आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं, और एसी ब्लोड वगैरह चालू है सब, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं
8.6 पे आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर और भी ड्रॉप हो रहा है कूलिंग। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया 8.5 पे आ गया अभी कूलिंग, लगभग 4-5 तक आएगा कूलिंग इसका। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कंप्रेसर का वाल चेंज करके प्रॉपर तरीके से मैंने वाल चेंज किया तो कूलिंग होने लगा है अभी, कंप्रेसर पंपिंग भी हो रहा है बरोबर। तो दोस्तों मैं आपसे, अगर आप एयर कंडीशन सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं तो कोई भी काम करने से हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि बहुत जन को मैंने देखा है कंप्रेसर का काम जल्दी करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? कि होगा नहीं होगा नया डलवा देता है। तो एक बार हिम्मत करके देखिए, आगे निकलो, जरूर सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हिम्मत करके काम कीजिए कंप्रेसर का काम, क्योंकि कंप्रेसर का काम अगर आप करेंगे तो आपको काम करने में मजा आएगा, क्योंकि एयर कंडीशन सिस्टम का जो दिल है ना वो कंप्रेसर ही है। अगर कंप्रेसर का काम आप नहीं करते हैं तो आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं उन भाइयों से कहता हूँ, उन भाइयों के लिए मैं यही कहूंगा कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं ना तो पूरी सिस्टम को समझ जाइए, क्योंकि आपके गाड़ी में अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप काम करवाने जा रहे हैं तो आपको भी समझ में आना चाहिए, ताकि आपको भी मजा आए काम करवाने में। बस यही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।